अमेरिका के मशहूर कैथोलिक पादरी फादर हिलेरियन हेगी ने इस्लाम कबूल कर अमेरिका में एक नया इतिहास रच दिया है। हिलेरियन हेगी ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों को इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे डाली। उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल कर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अपने पुराने घर में वापस आ गए हों। हिलेरियन हेगी के इस्लाम कबूल करने के बाद पूरे अमेरिका में कोहराम मच चुका है, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे आम पादरी नहीं थे बल्कि वो रोम और अंताकिया के चर्च में ईसाइयत की तालीम दे चुके हैं और उनकी लिखी किताबें बड़े बड़े चर्च में पढ़ाई जाती हैं। हिलेरियन हेगी का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम विस्कॉन्सिन के सेंट नाजियंस चर्च स्कूल में हासिल की। इसी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने पादरी की डिग्री हासिल की और बेजेंटियन कैथोलिक पादरी बन गए। हैरानी की बात तो ये है कि हिलेरियन हेगी ने हाल ही में कैलिफोर्निया में एक नया ईसाई मठ स्थापित करने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक उनके मुसलमान बनने की खबर ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लोग हैरान हैं कि पूरी दुनिया में ईसाई तालीमात को आम करने वाला एक इंसान अचानक मुसलमान कैसे बन गया। हालांकि उनके दोस्तों और जानने वालों का कहना है कि हिलेरियन हेगी कई सालों से इस्लाम का मुताला कर रहे थे। उन्होंने कुरान में कमी तलाशने के लिए कुरान को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन कमियां ढूंढते ढूंढते वो खुद ही मुसलमान बन गए। रिसर्च के दौरान हिलेरियन हेगी को पता चला कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी, तो उन्होंने सरेआम कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित चर्च का पादरी मुसलमानों की महफिल में बैठकर कलमा पढ़ ले, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस्लाम कबूल करने के बाद हिलेरियन हेगी ने अपना नाम सईद अब्दुल लतीफ रखा है और वो अभी से इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करने लगे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में उन लोगों के नाम और किताबों की पूरी फेहरिस्त दी है जिन्होंने उन्हें इस्लाम के करीब लाने और मुसलमान बनाने में मदद की। हिलेरियन हेगी कहते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद उन्हें जो सुकून मिला उसने साबित कर दिया कि इस्लाम भी सच्चा मजहब है। वो जिंदगी भर जिस सुकून की तलाश में भटकते रहे वो सुकून उन्हें इस्लाम की छाव में आकर मिला। हिलेरियन हेगी के इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया भर के मुसलमान उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक ने भी हिलेरियन हेगी को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद पेश की है। हिलेरियन हेगी ने पूरे 20 सालों तक रिसर्च के बाद इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इससे पहले उनके दोस्त रेयान हंटर 2018 में इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन चुके हैं। हिलेरियन हेगी कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह से मोहब्बतों से नवाजा है उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मुसलमान एक गैर मुस्लिम के इस्लाम कबूल करने पर इतनी मोहब्बतें लुटाएंगे। इस्लाम कबूल करने से पहले हिलेरियन हेगी उन लोगों में से थे जो मुसलमानों को नफरत की निगाहों से देखते थे। वो अक्सर इस्लाम के खिलाफ होने वाले सेमिनारों और ट्रोलिंग में हिस्सा लेते रहते थे। अमेरिका में इस्लाम आज सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। आज अमेरिका में लोग कुरान को पढ़कर और समझकर मुसलमान बन रहे हैं। अमेरिका में जिस तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आने वाला वक्त मुसलमानों का है। इसी शायर ने सच ही तो कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना की दबाओगे। हिलेरियन हेगी आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं।